प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अप्रैल को दिल्ली में पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन 20 और 21 फरवरी को दिल्ली में होगा। इस सम्मेलन में 30 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में भारत के लिए भी अलग अलग बौद्ध मठों से जुड़े 150 प्रतिनिधि शामिल होंगे। सम्मेलन में दुनिया के वर्तमान चुनौतियों का सामना बौद्ध दृष्टिकोण के अनुसार किस प्रकार किया जा सकता है, इस पर चर्चा होगी। आय से अधिक संपत्ति मामले में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की मुश्किलें कम नहीं हो रही। पंजाब के विजिलेंस विभाग ने 21 अप्रैल को एक बार फिर से चन्नी को पूछताछ के लिए बुलाया। 14 अप्रैल को चरणजीत सिंह चन्नी से लंबी पूछताछ हुई थी और सूत्रों के मुताबिक 21 अप्रैल को चन्नी के बेटे की शादी में हुए खर्च और चन्नी के विदेश दौरे के खर्च को लेकर सवाल जवाब किए जाएंगे। वहीं चरणजीत सिंह चन्नी ने पूछताछ को लेकर आम आदमी पार्टी सरकार पर सवाल खड़े किए। कहा, आप सरकार मुगलों से बदतर है, मेरी हत्या की जा सकती है। हरियाणा के करनाल में बड़ा हादसा हो गया। यहाँ राइस मिल की 3 मंजिल इमारत में एक हिस्सा गिर गया। इमारत गिरने से राइस मिल के लेबर क्वार्टर में सो रहे करीब 150 मजदूर मलबे में दब गए। हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 20 लोग घायल हैं। 100 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया। अप्रैल का दूसरा सप्ताह शुरू होने के साथ ही देश के अधिकांश हिस्सों में गर्मी ने सितम दिखाना शुरू कर दिया। मौसम विभाग ने बंगाल, बिहार और आंध्र प्रदेश में भीषण गर्मी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया। साथ ही झारखंड, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और सिक्किम में हीट वेव का अनुमान लगाया गया। पंजाब और हरियाणा में हीट वेव की स्थिति देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में आज से 20 अप्रैल के बीच हल्की बारिश की संभावना जताई है।